चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सब में इन्फॉर्मेशन क्या है, तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और हमें सॉल्व करना है, उसके रूट ढूंढना है या एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और यहाँ पे रूट में इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा मुझे जो क्लियर करवाना पड़ेगा ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्या तो मुझे ये बोलना पड़ेगा रूट। पहले तो सबसे पहले आपको वो क्लियर होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, पहला ये स्टेप। दूसरा स्टेप मुझे जो मल्टीप्लाई होता है जब दो रूट के साथ तो क्या होगा वो क्लियर कर दो। तो यहाँ पे वो क्लियर करना है सर रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो आप बोलोगे सर थ्री। सेम वे रूट फाइव इंटू रूट फाइव तो हो जाएगा फाइव। रूट एट इंटू रूट एट तो हो जाएगा एट। कहने का मतलब है जब दो रूट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रूट ऊपर से निकल जाएगा, ये पॉइंट क्लियर। सेम वे बच्चा अब जैसे समझ लो रूट थ्री प्लस रूट थ्री, तो आप बोलोगे सर टू रूट थ्री। ये एक्स है तो जैसे टू एक्स लिखते हो वैसे ही समझना है। सेम वे मैं बोल रहा हूँ रूट फाइव है, यहाँ पे है थ्री माइनस रूट फाइव, तो आप बोलोगे सर थ्री में से थ्री रूट में से एक रूट फाइव निकलेगा तो बचेगा कितना टू रूट फाइव। आई होप बच्चा आपको ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है तो ही आगे बढ़ना। बहुत सिंपल पॉइंट है लेकिन छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान से समझते जाना है। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, अब यहाँ पे करना क्या होता है, तो बच्चा अब स्टार्ट करते हैं इसके फैक्टर निकालना। तो फैक्टर निकालना यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है थ्री इंटू रूट फाइव और कॉन्स्टेंट टर्म जो हमारा है टेन इंटू रूट फाइव। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है टेन इंटू थ्री तो आप बोलोगे थर्टी, और ये है रूट फाइव इंटू रूट फाइव तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा फाइव, तो हमारा आंसर आ जाएगा 150। 150 के ऐसे पार्ट करो बच्चा कि जिसमें प्लस में 25 चाहिए, यहाँ माइनस की साइन है तो वो ध्यान में रखना है प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर देखो इसके फैक्टर निकालेंगे जिसके आंसर में 30 आए, तो आप बोलोगे सर 25 आए, तो बच्चा यहाँ पे उसके ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जिसमें आंसर में आपका 25 आए। तो यहाँ से शुरू करते हैं बच्चा, तो 2 से करोगे तो ये 75। आप बोलोगे सर अब 75 इंटू 2 करोगे तो हो जाएगा हमारा 150, लेकिन हमें काम का नहीं है। 3 से करेंगे बच्चा तो कितना होगा, 3 से करोगे बच्चा तो ये 3 2 हो जाएगा, और आप बोलोगे सर 25 आ जाएगा। 25 इंटू 6 करोगे तो भी नहीं होगा, 5 से करते बच्चा तो 5 तो 5 हो जाएगा, ये भी 5 खत्म। अब यहाँ पे हमें देखना है तो क्या करना है बच्चा, हमें प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए। तो बच्चा बोलेगा चलो सर ये कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 30। फिर से एक बार 5 इंटू 3 13, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, 30 के और यहाँ पे 5 बचा है तो ये 5, तो अब बच्चा बोलेगा सर 30 में से 5 जाएगा तो भी हमारा आंसर 25 आ जाएगा। बस बच्चा तो यही तो यूज़ करना था। तो यहाँ से शुरू करते बच्चा 3 इंटू रूट फाइव, थोड़ा हम यूँ कर देते 3 इंटू रूट फाइव एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 30x माइनस 5 रूट मतलब माइनस 5x माइनस 10 रूट फाइव एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब कई बच्चों को यहाँ समझ में नहीं आया तो उसके लिए समझा दूँ, यहाँ पे माइनस क्यों लिया क्योंकि यहाँ एक और माइनस है, तो कॉम्बिनेशन का जो दो ब्रैकेट सेम आने चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कई बच्चे बोलेंगे सर हम ये फैक्टर भी तो ले सकते थे, 10 यहाँ पे कितना, हाँ 10 इंटू 5 10 इंटू 150 के ऐसे पार्ट करो कि जिसमें आप बोलोगे सर ये तो 10 इंटू 15 भी तो ले सकते थे। नहीं बच्चा 10 इंटू 15 लेने में प्रॉब्लम क्या था बच्चा, तो यहाँ दोनों प्लस आ जाते, ये दोनों वैल्यू प्लस आ जाती तो उसकी वजह से हमारा ब्रैकेट सेम नहीं आता, ध्यान में रहेगा। चलो तो आगे चलते हैं बच्चा, अब ये कॉमन लेने की बारी आई तो यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 30 के फैक्टर निकालने, 30 के आप बोलोगे सर 6 फाइजा और यहाँ पे 2 इंटू 3 और आप बोलोगे सर ये रूट फाइव इंटू रूट फाइव, समझ में आया। चलो अब ध्यान से देखो
यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है ये वाले में, सेम वे रूट 5 है तो यहाँ पे भी रूट 5 है और x कॉमन निकलेगा। तो अब लिखना शुरू करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप बोलोगे सर 3 रूट 5 कॉमन निकाला और एक x कॉमन निकाला, क्लियर। सेम वे बच्चा अब बचेगा x प्लस की साइन के साथ 2 इंटू रूट 5 निकलेगा, यहाँ बचेगा क्या ये रूट 5 एंड 2, और आप बोलोगे सर ये लिख दिया। अब माइनस कॉमन निकलेगा और यहाँ पे आप बोलोगे सर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 5 2, तो यहाँ पे 5 कॉमन निकाला, क्या निकाला 5 कॉमन निकाला, तो ये बचेगा x। यहाँ पे आप बोलोगे सर माइनस कॉमन निकालते यहाँ हो जाएगा प्लस 2 रूट 5, क्योंकि यहाँ 2 था वो हमने लिखा और ये रूट 5 लिखा। अब बच्चा दोनों ब्रैकेट सेम आए, जो बच्चे ने इससे फैक्टर निकाले होंगे ना उसके दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आएंगे, प्लस माइनस की गलती होगी। इसके बाद बच्चा हम आगे चलते हैं, तो x प्लस 2 रूट 5 और यहाँ पे हमने लिखा 3 रूट 5 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब बच्चा ये कंपेयर करेंगे, x प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 5, ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस 2 इंटू रूट 5, एग्जैक्ट वर्ड ऐसे बोलना चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 रूट 5 एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5, दूसरी साइड जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने बोला x इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 इंटू रूट 5। अब बच्चा बोलेगा सर इसमें भी कॉमन निकल सकता है, हाँ निकल सकता है, देखो ये रूट 5 है इंटू रूट 5 तो ये 3 अपॉन रूट 5 है, 5 की जगह सर ने क्या लिख दिया रूट 5 तो ये रूट 5 कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो आप बोलोगे सर बचेगा रूट 5 अपॉन 3, तो ये भी आंसर वैलिड है। आपको ये क्लियर करना है, ये भी सही है ये भी सही है, दोनों सही है, सिंप्लीफाई वर्जन है, बस वो ध्यान में रखना है। थोड़ी प्रैक्टिस करना बच्चा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान से करना, छोटी छोटी पॉइंट का ध्यान रखना। ये प्लस माइनस का सम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे की गलतियां बहुत होती है, मेजोरिटी बच्चे 10 × 15 करके सम सॉल्व करते ही रहेंगे, दूसरे फैक्टर भी तो सोचने पड़ेंगे ना बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।